सो हाय गाइज, ये है एलिफेंट ड्राइंग का थर्ड पार्ट एंड इसमें मैं एलिफेंट ट्रंक को ड्रॉ करूंगा। पिछले दो पार्ट्स में जो मैंने आपको नहीं बता पाया वो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। जो भी ड्राइंग सीखना चाहते हैं या जो भी आर्ट स्केचिंग के लाइन में भी बिगनर है उनको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना एंड ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो मैं स्टार्ट करूंगा चारकोल पेंसिल का यूज़ करके एंड जो भी आपको रिंकल्स या ड्राइंग में दिख रहे हैं इनको आपको बना लेना है। बाकी जो भी आपको डेप्थ दिख रही है या जो भी हाइलाइट्स दिख रहे हैं उनको आपको कुछ देर के लिए भूल जाना है। पहले आपको ओनली रिंकल्स को बनाना है। बस ध्यान में रखना जो आपके जो रेफरेंस में इनकी डायरेक्शंस है उनको आपको उसी तरह से ड्रॉ करना है जिस तरह मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल सीधी नहीं आपको ड्रॉ करनी है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी या जो भी है जैसे भी आपको रेफरेंस में दिखाई देगी उस तरह से आपको ड्रॉ करना है। अब जो है मैंने पहले रिंकल्स बनाए थे उनके बीच जो आपको डिटेल्स दिख रही है ये वाली, अब हम इनको बनाएंगे। सिंपल है, जिस तरह से मैं बना रहा हूँ बस उसी तरह से आपको भी बनाना है। और बस ध्यान रखना है जो ये लाइंस है इनको आपको उसी डायरेक्शन में ड्रॉ करना है जिस तरह मैं कर रहा हूँ। आप देख सकते हो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, जिस तरह से रेफरेंस में आपके दी हुई है उसी तरह से आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। और बस सिंपली इसी तरह से हमें पूरी ट्रंक में ड्रॉ करते चले जाना है नीचे तक। तो ये सब होने के बाद अब आते हैं हम शेडिंग पे एंड शेडिंग के लिए मैं चारकोल पेंसिल का एंड ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ करूँगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही एपिसोड्स में बता दिया है कि मैं इन पेंसिल का यूज़ करूँगा शेडिंग के लिए, तो बस इसी तरह से हम इसको शेड करते चले जाएंगे एंड उसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग के लिए मैं मेकअप सॉफ्ट हेयर ब्रशेस का यूज़ करूँगा, इससे काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो पाता है। अब आ जाते हैं हम डेप्थ वाले पार्ट में कि किस तरह से हम डेप्थ को ऑप्ट कर सकते हैं, किस तरह से मैं डेप्थ को दिखाता हूँ अपनी ड्राइंग में। तो सबसे पहले हमें जो रिंकल्स है इसके ऊपर से कुछ इस तरह से शेडिंग करनी है ऊपर वाली साइड को एंड डिटेलिंग्स कुछ जो भी डिटेल्स है आपके छोटी छोटी डिटेल्स होती है उसको आपको मेजर करके ऑप्ट करना है और सिंपली बस थोड़ी डार्क टोन्स देनी है और ब्लेंड कर लेना है इसको। तो अब बारी आती है हाइलाइट्स की। जो आपको हाइलाइट्स दिख रहे हैं उनको हम किस तरह से बनाएंगे। हाइलाइट्स मैं दूंगा मोनो जीरो इरेजर से या इलेक्ट्रिक इरेजर से। आपको इतने सब कुछ ज़रूरत नहीं है, आपके पास जो भी इरेजर है आप उससे हाइलाइट्स कर सकते हैं जहाँ जहाँ आपको दिखाई दे रही है। मेरे पास सारे टूल्स हैं तो मैं इनको सबको यूज़ कर लेता हूँ अपनी ड्राइंग में और जिस तरह से मैं हाइलाइट्स दे रहा हूँ उसी तरह से आपको भी हाइलाइट्स देने हैं। जहाँ जहाँ आपको ड्राइंग्स में हाइलाइट्स दिखते हैं वहाँ आपको इस तरह से कुछ ऑप्ट करने हैं हाइलाइट्स, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। और जहाँ जहाँ हमने हाइलाइट्स दिए हैं वहाँ उसके साथ साथ हम थोड़ी डिटेलिंग करेंगे पेंसिल से और उसी तरह से हम पूरी जो ट्रंक है इस पर उसी तरह पूरा प्रोसेस जो आपने ऊपर किया उसी प्रोसेस को हम नीचे भी फॉलो करेंगे। उसी तरह से हम हाइलाइट्स करेंगे, उसी तरह से हम डिटेलिंग करते जाएंगे नीचे तक। मेरी ड्राइंग के जो रेफरेंस फोटोग्राफ में इस वाले पार्ट में इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं थी तो मैं यहाँ पे सिंपली शेडिंग करूँगा एंड उसको ब्लेंड कर लूँगा एंड जो भी रिंकल्स थे उनको डार्क कर लूँगा। और हाइलाइट्स दे दूंगा मैं मोनो जीरो इरेजर से। उसके बाद हो गई हमारी ट्रंक तैयार। तो आप देख सकते हो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं।
हाँ तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में मैं इस ड्राइंग को कंप्लीट करूंगा। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, अगर हाँ तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब एंड वीडियो को भी कर लेना लाइक। एंड जो भी आपके मन में क्वेश्चन है ड्राइंग स्केचिंग के बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।